तुम में से वीरू कौन है? चलो तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब? इन्होंने। करण बाबू। भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चलाता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस छुड़ाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ, कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ उसकी जमानत करके ले आओ। बस मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू, मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूं, उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच यह है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। बस बस साहब, यहीं रोक दीजिए साहब, इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है, वहां गाड़ी नहीं जाती। ओके साहब, आइए ना साहब, कुछ चाय वे पी के जाइए। ये क्या साहब साहब लगा रखा है वीरू, अब ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूं ना ही तुम मेरे नौकर। तो फिर आपको क्या कहूं साहब? करण, मेरा नाम करण है। थैंक यू करण, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। डॉक्टर को दिखाना, जमानत करवाना, क्या ये इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? हम बड़े लोग नहीं है साहब, छोटे से एहसान तले दब जाते हैं। फिर भाई साहब, सॉरी साहब। गुड नाइट करण। गुड नाइट वीरू।